तो कैसे हो मेरे भाई। मेरा नाम है प्रकाश नारायण, आपका स्वागत है फिल्मी फैंस के एक और वीडियो में। तो भाई आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ बेस्ट मूवी ऑफ द ईयर 2022 जो कि इंडियन सिनेमा में बनी है। भाई मैं टॉप 10 मूवी का लिस्ट लेके आ गया हूँ, तो इस लिस्ट में कौन सी मूवी शामिल है? यह इंडियन सिनेमा मूवी की लिस्ट है, तो इसमें पैन इंडिया मूवी भी शामिल है, चाहे बात करें हिंदी मूवी की, चाहे बात करें साउथ मूवी की, तो ये सारी मूवियों को मैंने इकट्ठे ही शामिल किया है। क्योंकि भाई अब इंडियन सिनेमा को बॉलीवुड रिप्रेजेंट नहीं करता है, इंडियन सिनेमा बड़ा हो चुका है और इंडियन सिनेमा को हर तरह की फिल्में अब रिप्रेजेंट करती है, अब कोई भी इंडस्ट्री छोटा नहीं रहा है। तो इसी कारण से इस लिस्ट में सारे फिल्में शामिल है। तो भाई जो भी फिल्में इस लिस्ट में शामिल है वो सारी की सारी फिल्में मैंने देखी है, तो भाई आप भी इस लिस्ट को लास्ट तक देखिए और देखिए क्या आपकी फेवरेट फिल्म इस लिस्ट में है या नहीं। तो उससे पहले मैं इस वीडियो में आगे बढ़ूँ, आपसे एक ही अनुरोध है, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भाई लोग मैं लिस्ट को शुरू करने से पहले एक बात आप लोग को बोलना चाहूँगा, ये जो टॉप 10 मूवी है ये सारी की सारी मूवी बेस्ट है और इस मूवी को देखते हुए मुझे काफ़ी मजा आया। साथ ही साथ जो ये मूवी है बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई और इसने छप्पड़ फाड़ कमाई की है, तो भाई आप लोगों ने भी इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया है। भाई चलिए बिना किसी देरी के लिस्ट की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर 10 की, तो भाई मेजर जो कि एक पैन इंडिया मूवी थी जिसको महेश बाबू के प्रोडक्शन हाउस ने बनाया था। इसमें आपको अधि विशेष मुख्य भूमिका में देखने को मिलते हैं। तो यह मूवी मैंने 10 नंबर पर रखी है और यह मूवी काफी जबरदस्त है। ये के हमले पर बनाया गया पिक्चर था, भाई यह पिक्चर काफी जबरदस्त निकल के आई थी और इस फिल्म को पब्लिक द्वारा भी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था और इसी कारण से मैंने इसको नंबर 10 पर रखा। चलिए लिस्ट में आगे बढ़ते हैं। नंबर 9 के पायदान हासिल किया है ऊंचाई। जी हाँ, यह एक बॉलीवुड मूवी है, सूरज बड़जात्या द्वारा निर्मित किया गया है और भाई यह एक फैमिली इंटरटेनिंग मूवी है और यह फिल्म काफ़ी ज़्यादा रोचक है और यह फिल्म अभी भी सिनेमाघरों में लगी हुई है, लगभग 50 दिन हो चुके हैं। तो भाई यह फिल्म काफ़ी लोगों को पसंद आई है। इस फिल्म में आपको दोस्ती की वैल्यू दिखाई गई है, साथ ही साथ जो दोस्ती की जर्नी है उसमें फैमिली और पेरेंट का वैल्यू भी दिखाया गया है, तो इस कारण से यह मूवी नंबर 9 के पायदान पर डिजर्व करती है। चलिए लिस्ट में आगे बढ़ते हैं। नंबर 8 की पायदान पर है 777 चार्ली जो कि एक कनाडा मूवी है और भाई यह मूवी काफी सही थी और भाई इस मूवी ने काफी ज्यादा दिल जीता और यह मूवी काफी इमोशनल थी और कहीं ना कहीं लोगों का प्यार इस फिल्म को काफी ज्यादा मिला है। और इस फिल्म की सबसे अच्छी बात है कि यह फिल्म काफी इमोशनल करती है और यह लोगों के दिलों को छूती है, तो इस कारण से मैंने इस फिल्म को नंबर 8 के पायदान पर रखा है। तो चलिए लिस्ट में आगे बढ़ते हैं नंबर 7 के पायदान पर। तो भाई नंबर 7 के पायदान की बात करें तो विक्रम जो कि कमल हसन की मूवी है और इस फिल्म ने भी काफी अच्छा बॉक्स ऑफिस पर बिजनेस किया है और इस फिल्म का भी जनता का काफी ज्यादा प्यार मिला था और मुझे भी पर्सनली यह फिल्म काफी ज्यादा पसंद आई थी और इस कारण से मैंने विक्रम को 7 नंबर पर रखा है, तो यह फिल्म भी काफी जबरदस्त है। वही अगर लिस्ट में आगे बात करें नंबर 6 के पायदान की, तो इस पायदान पर मैंने कांतारा को रखा है। भाई कांतारा काफी जबरदस्त मूवी थी। यह मूवी आपको दिखाती है कि एक बेसिक सी स्टोरी को, एक कल्चरल स्टोरी को, एक जमीन से जुड़ी हुई स्टोरी को किस तरह से लोगों के सामने प्रेजेंट करता है और उसी स्टोरी को लोग किस तरह से पसंद करते हैं वो यह मूवी करके दिखाती है और यह मूवी भी लोगों को काफी ज्यादा पसंद आई थी और यह भी मूवी बॉक्स ऑफिस पर काफी ज्यादा सफल हुई थी, तो इस कारण से यह नंबर 6 के पायदान को डिजर्व करती है। वही अगर बात करें लिस्ट में आगे नंबर 5 के पायदान की, भाई मैं नंबर 5 पर दृश्यम 2 को रखना चाहूंगा। भाई दृश्यम 2 काफी जबरदस्त मूवी निकल के आई थी और यह मूवी अभी भी हॉल में लगी हुई है, तो अगर आपने अभी तक यह मूवी नहीं देखा है तो वहां पर जाकर देख सकते हैं। यह सीक्वल है दृश्यम 1 की, यह कहीं ना कहीं उस जर्नी को आगे बढ़ाती है और कहीं ना कहीं यह दृश्यम 1 से भी ज्यादा बॉक्स ऑफिस पर कमाई करके दिखाई है, तो लोगों का प्यार भी इसको मिला है, इस कारण से मेरी टॉप 10 की लिस्ट में यह नंबर 5 पर है। तो भाई मैंने अपनी नंबर 5 तक की लिस्ट बता दी है और यहाँ से जो भी नाम लेने वाला हूँ वो मूवी एकदम बेस्ट है और अभी तक इस मूवी को आपने नहीं देखा तो भाई आपको जाकर जरूर देखनी चाहिए। तो भाई इस लिस्ट में नंबर 4 की पोजीशन हासिल किया है सीतारामम ने। तो भाई यह एक रोमांटिक लव ट्रायंगल मूवी है और यह मूवी काफी जबरदस्त है, इसको जिस तरह से प्रेजेंट किया गया है काफी मुझे पसंद आया और कह सकते हैं कि 2022 में इंडियन सिनेमा में बनी हुई वन ऑफ द बेस्ट मूवी है जो कि रोमांटिक जोनर से आती है और इस कारण से यह मूवी नंबर 4 के पायदान को हासिल करती है। वही अगर बात करें नंबर 3 की, तो भाई नंबर 3 पर है KGF चैप्टर 2। भाई यह फिल्म काफी जबरदस्त है और यह सीक्वल है KGF चैप्टर 1 की और इसको डायरेक्ट किया है प्रशांत नील ने और यह फिल्म काफी ज्यादा मुझे पसंद आई थी और ऐसा कह सकते हैं कि टॉप 10 की मूवियों में यह नंबर 1 के पायदान को भी हासिल कर सकती थी, लेकिन मैंने इसको कुछ रीजन से नंबर 3 पर रखा है, लेकिन ऐसा मान सकते हो कि यह नंबर 1 डिजर्व करती थी। इसको क्यों मैंने नंबर 3 पर रखा है इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। भाई मेरी टॉप 10 की लिस्ट में नंबर 2 पर है द कश्मीर फाइल। इस फिल्म ने हिंदुस्तान का दिल जीता है क्योंकि भाई यह उस स्टोरी को सामने ला के रखती है जिसको पूरे हिंदुस्तान से छिपाया गया, पूरी दुनिया से छिपाया गया
तो कह सकते हैं कि इस फिल्म ने उस सच्चाई को हमारे सामने रखा है जिस फिल्म को बनाया विवेक रंजन अग्निहोत्री ने। कहीं ना कहीं यह फिल्म हिंदुस्तान में रहने वाले कश्मीरियों का दर्द हमारे सामने लाके रखती है। एक फिल्म को बनाने का उद्देश्य ही यही होता है कि कहीं ना कहीं वो सच्चाई दिखाए, और इस फिल्म ने वो करके दिखाया है, और इसलिए मैं इसको नंबर 2 पर रखता हूँ। तो भाई लोग फाइनली आ गया है नंबर 1 के पायदान की। तो इस पायदान पर कौन सी मूवी है आप गेस कर सकते हैं, नहीं गेस किया तो मैं बता देता हूँ। तो भाई लोग इस टॉप 10 की लिस्ट में नंबर 1 का पायदान हासिल किया है RRR ने। और इसको मैंने नंबर 1 पर किस लिए रखा है उसके बारे में मैं अगर बताऊँ तो इस फिल्म ने पूरी दुनिया भर में इज्जत पाया है, और इस फिल्म के माध्यम से भारत का नाम रोशन हुआ है, और कहीं ना कहीं यह ऑस्कर की रेस में भी अभी तक शामिल है, और इस फिल्म को विदेशियों में काफी ज्यादा इज्जत मिला है, और इस फिल्म की काफी ज्यादा भर भर के तारीफ की गई है, जिस कारण से मेरे लिस्ट में यह नंबर 1 पर है। जैसा कि मैंने पहले बोला था KGF चैप्टर 3 जो कि नंबर 1 को पायदान को डिजर्व करती है वो नंबर 3 पर क्यों है, तो इसका यही रीजन है कि जो नंबर 1 और नंबर 2 की पिक्चरें हैं वो कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट पावर के रूप में इंडियन सिनेमा के माध्यम से देश का नाम ऊंचा करती है। कश्मीर फाइल जो कश्मीर पंडितों की दबी हुई सच्चाई को हमारे सामने लाने की कोशिश करती है, वही RRR इंडियन सिनेमा का पावर को पूरी दुनिया के सामने रखती है, जिस कारण से हम कहीं ना कहीं KGF से इन दोनों फिल्मों का वैल्यू कहीं ज्यादा मेरे लिए है, इसी कारण से मैंने इसको नंबर 1 और नंबर 2 पर रखा है। वही अगर बात करें एक परफेक्ट पिक्चर की तो कहीं ना कहीं KGF इन दोनों को पीछे छोड़ती है, और बात करें दुनिया को अपनी बात बताने की तो कहीं ना कहीं उस माध्यम से KGF पर ये दोनों पिक्चरें भारी पड़ती है। तो यही था मेरा टॉप 10 मूवी की लिस्ट, और मैं फिर से बोलना चाहूंगा ये सारी मूवी ही बेस्ट है। तो अगर आपने यह मूवी देखी है तो कौन सी मूवी आपके हिसाब से नंबर 1 को डिजर्व करती है, और कौन सी मूवी का आप रैंकिंग चेंज करना चाहोगे तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो आपको कैसा लगा मेरा टॉप 10 बेस्ट मूवी 2022 इन इंडियन सिनेमा का लिस्ट कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और रिव्यू रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।